गुरुवार को एमएससीबी ने नागपुर के सकरदरा स्थित आदिवासी कॉलोनी पर कड़ी कार्रवाई की, जिसमें 70% घरों की बिजली काटी गई, घरों के मीटर भी निकाले गए हैं। आपको बता दें, इस कार्रवाई में दक्षिण नागपुर के आमदार मोहन मते ने हस्तक्षेप किया और कुछ दिनों के लिए इस कार्रवाई को रोका गया है। इस कार्रवाई पर आदिवासियों का कहना है कि सरकार की तरफ से उन्हें बिजली बिल का माफ करने की बात कही गई थी, इसलिए वे बिजली बिल का भुगतान नहीं कर रहे थे। नागपुर के सकरदरा इलाके में स्थित भोसले कॉलोनी आदिवासी कॉलोनी में पिछले कई वर्षों से आदिवासी जमात के लोगों का बसेरा है। वहां पर स्थित सभी रहवासियों की रोजी रोटी मजदूरी, फूट पॉलिश आदि पारिश्रमिक दैनिक वेतन वाले कामों में आती है, तथा बाकी घर खर्च भी उन्हें पैसों से करना होता है। कोरोना महामारी की बंदिशों के चलते ऐसे सभी श्रमिकों के रोजगार को बड़े स्तर पर चोट पहुंची है। इन हालातों में भी यदि इस्तेमाल से ज्यादा बिजली का बिल आए तो एक आम आदमी या गरीब रेखा का व्यक्ति इसका भुगतान कैसे करे। बुधवार की रात इसी से जुड़ी एक घटना हुई। आदिवासी कॉलोनी सकरदरा में महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड के कुछ कर्मचारियों ने रहवासियों के अवैतनिक बिल की वजह से वहां का बिजली प्रवाह बंद कर दिया और 70% रहवासियों के मीटर निकाल दिए। घटना पर आवाज उठाते हुए बीजेपी युवा सेना ने आमदार मोहन मते से मुलाकात की और इसके फलस्वरूप आमदार मोहन मते ने आदिवासी कॉलोनी के रहवासियों पर हो रही इस कार्रवाई को स्थगित करवाया। आपको बता दें कि वर्तमान काल में अनेक शासकीय निवास स्थानों की तथा राजकीय नेताओं के बिजली बिल अवैतनिक है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ना उन पर कोई सवाल उठाया गया और ना ही कोई कार्रवाई हुई। अब बड़ा सवाल यह है कि हमेशा आम आदमी या गरीबी रेखा की व्यक्ति को ही कटघरे में क्यों खड़ा किया जाता है। सर्वात आधी तो ही राजाच्या जमान्याची भोसले कालीन आदिवासी गोंड वस्ती है। या गोंड वस्ती मध्ये सर्व गरीब दलित लोक आहे, म्हणजे जे रोज मागून खाणारे, काही ते जडीबुट्टीचे व्यवसाय करणारे, आणखी अधिक तर मागून खाणारे लोक आहे। त्याच्यामध्ये यांचे जे बिल आहे 30,000, 35,000, 40,000 सर बिल घेतलेले आहे, कोणाचे 20,000 बिल आहे। ते त्यांच्या म्हणजे ते 100-200 रुपयामध्ये जे आपल्या दिवसभराचे जे उदरनिर्वाह करते ते 15,000, 20,000, 35,000, 40,000 बिल कुठून भरणार। त्यासाठी मागं आम्ही आंदोलन पण केलं होतं, पण आपले पालकमंत्री ऊर्जामंत्री माननीय नितीन राऊतजी यांच्याकडे निवेदन देऊन यांना बोलून पण काही त्यांना मार्ग काढला नाही। ठीक आहे, बाकीचे मध्यमवर्गीय जे लोक आहेत त्यांच्या विषय वेगळा, पण आज हे जे गरीब वस्ती आहे, जे दलित वस्ती आहे, यांच्याकडे तरी त्यांनी पाहून काहीतरी यांच्या मार्ग काढायला पाहिजे। हे जे 200 करिता आहे यांचं बिल माफ करायला पाहिजे किंवा कमी करायला पाहिजे, पण यांच्याकडे पण यांचं काही होऊन न राहिलं त्याच्यासाठी यांचा रोष आहे। तरी पण आम्ही नेहमी यांना समजावून हे करून सर्व करून टाकतो, पण काय करता बिल त्यांचे भरणं शक्यच नाही होऊन राहिलं। तरी पण ते 2-2 हजार मार्फत आता बिल भरून राहिले ते, पण 100 मीटर कापून 15,000, 20,000 बिल आ गया हमारे पास, तो हम कहाँ से भरेंगे। हमारे पास रोजी नहीं, रोजगार नहीं, कुछ नहीं। लॉकडाउन में घर में बैठे 1 साल का बिल नहीं आने का बोले माफ होएगा, और फिर इकट्ठा इतना 15,000, 20,000 भर रहे, पूरा मीटर काट के ले गए। अब एक ही लाइट जलता है, एक पंखा, और 15,000-20,000 रुपए ले बिल आ गया, तो कहाँ से भरेंगे इतना बिल। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज नागपुर।